Assalamu alaikum kids, how are you all? I'm fine and hope you are also fine at your home. Today I'm here with something interesting for you as usual. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है? आज हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मज़ीद काम करने वाले हैं. आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, वो अच्छे से याद होगा. और कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट होती हैं? नंबर वन लैंड, नंबर टू एयर, नंबर थ्री सी. तीन तरह की ट्रांसपोर्ट होती है ना, ठीक है. हमने इसके बारे में पढ़ा था. आज हम बुक में काम करने वाले हैं बहुत मज़े का. सो टेक आउट योर प्रेयर थ्री इंग्लिश वर्ड बुक पेज नंबर 40. नाउ लुक ओवर हियर, हमारे पास एक पेज आ गया और इस पर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं. अच्छा, मिडल में क्या लिखा हुआ है, यानी दरमियान में क्या लिखा हुआ है? यस, ट्रांसपोर्टेशन. ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आइकन्स को रीड कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज रीच, सेकेंड इज कलर. सो वी हैव टू रीच एंड कलर ऑन दिस पेज एंड देन वी विल राइट द डेट इन द डेट सेक्शन. अब हमने आइकन्स भी रीड कर लिए और डेट भी मैंशन कर ली. अब हम क्या करेंगे, अब हम इन ट्रांसपोर्टेशन को रीड करते हैं. फर्स्ट वन इज अ ट्रक. अ ट्रक, आपको पता है ट्रक क्या होता है? ट्रक जो बड़े से होते हैं और मोस्टली कलरफुल से होते हैं, यानी कि ये हैवी सा ट्रांसपोर्ट होता है. इसमें हमारा बहुत तरह का सामान जाता है. आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पे जब आप घूमने जाते हैं या हाईवे की तरफ आपको जाना होता है तो बड़े बड़े ट्रक्स खड़े होते हैं. आपको रास्ते में ट्रक्स भी मिलते हैं और अक्सर इसमें सैंड भी भरी होती है. मजदूर वगैरह भी इसको यूज़ करते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई अपना घर शिफ्ट करता है तो ऑब्वियसली एक एक सामान तो लेकर नहीं जाएगा, वो इस ट्रक में लोड करता है और अगले घर में जाके उतारते हैं सामान. तो ये ट्रक तो बहुत यूज़फुल ट्रांसपोर्ट हो गया है ना. तो अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट पे, विच इज़ अ टैक्सी. अ टैक्सी, टैक्सी तो वही है जो आप उसको कैब कह सकते हैं, टैक्सी कह सकते हैं. ये वही है जो हम फेयर दे के जाते हैं इसमें, है ना. फेयर देते हैं और अपनी जगह पे जाते हैं, यानी हमें कहीं भी इसे मिलने जाना हो या कहीं भी जाना हो तो हम इस टैक्सी को यूज़ करते हैं. ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ साइकिल. साइकिल तो सब की फेवरेट है ना. एवरीबडी नोज वॉट इज़ अ साइकिल. सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ अ बाइक. इसके बारे में भी आपने पढ़ा था पहले. ये वही बाइक है, द टू व्हीलर ट्रांसपोर्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ डोंकी कार्ट. अच्छा भाई, इसके साथ तो एक एनिमल भी बंधा हुआ है. ये कौन सा एनिमल है, कैन यू टेल मी? यस, दिस इज अ डोंकी. जब भी तो उसको डोंकी कार्ट बोलते हैं. सो हियर वी हैव अ डोंकी कार्ट. और इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर जो लॉन्ड्री वगैरह के लिए अंकल वगैरह आते हैं, या आप कह सकते हैं उन्हें धोबी कह सकते हैं, जो धोबी आते हैं वो अपने कपड़े एक क्लॉथ में टाई करके इसके पीछे रखते हैं और फिर इसमें ट्रैवल करते हैं. यानी कि जो भी सामान आप एकदम से एक साथ नहीं उठा सकते, जो भी छोटा मोटा हमारा सामान होता है, कभी कभी बड़ा भी होता है, वो हम इस गधा गाड़ी में लेके जाते हैं. इसको उर्दू में गधा गाड़ी कहते हैं क्योंकि इसके साथ डोंकी बंधा होता है, ठीक है. आपने अक्सर ये रोड्स पे देखा होगा. अब आपने नोट करना है कि डोंकी कार्ट क्या होता है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टोंगा. सो इसमें एक मेन डिफरेंस है, डोंकी कार्ट और टोंगा में एक मेन डिफरेंस है. डोंकी कार्ट में आगे डोंकी बंधा होता है और टोंगा में हॉर्स. तो ये है एक और तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रांसपोर्ट. इसके आगे हॉर्स बंधा होता है. नाउ ये हमने इन सबको रीड कर लिया अच्छे से. अब हमें पता चल गया आज हमने कुछ नई ट्रांसपोर्ट भी सीख ली हैं. ये तो बहुत अच्छा हो गया. अब हमने जब इनको रीड कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, इन पिक्चर्स पे कलर्स कर देंगे और हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया. अब जब इस पेज को कंप्लीट कर लेंगे तो आते हैं नेक्स्ट वाले पे, विच इज पेज नंबर 41. नाउ लुक ओवर हियर, वी हैव अ न्यू पेज. और यहाँ पे और भी ट्रांसपोर्ट हैं और इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट होंगी, एयर होगा और
सी ट्रांसपोर्ट होगी, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट है इसमें जो हम पहले भी समझ चुके हैं। चलें अब इनको दोबारा रीड करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमें आइकन्स क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज रीड, सेकेंड इज कलर, सो वी विल रीड एंड दैट कलर ऑन दिस पेज एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द डेट इन द डेट सेक्शन। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज एन एरोप्लेन, ये तो आपको पता है ना एरोप्लेन क्या होता है, एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, ये तो उड़ता है हवा में, है ना। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज अ कार, अ कार ये तो एक कार है, ये तो एक कॉमन ट्रांसपोर्ट है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। द नेक्स्ट वन इज अ बोट, अ बोट और ये एक सी ट्रांसपोर्ट है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज अ रिक्शा, अ रिक्शा एंड दिस इज दैट थ्री व्हीलर ट्रांसपोर्ट, डू यू रिमेम्बर, गुड। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ शिप, अ शिप अनदर सी ट्रांसपोर्ट। नाउ अब आते हैं हम अपनी लास्ट पिक्चर पे विच इज अ ट्रेन, अ ट्रेन ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांसपोर्ट है, इसमें क्या फ़ायदा होता है, हमें एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का मौका मिलता है। जब भी हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो हम ट्रेन को यूज़ करते हैं और इसके आगे एक इंजन होती है और जब भी हम ट्रेन यूज़ करते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती है छुक 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 करके, आपने नोट किया होगा और अगर नहीं किया तो आप ज़रूर कीजिएगा। और इसके आगे इंजन लगी होती है जिससे कि ट्रेन मूव कर रही होती है, बहुत फास्ट चलती है ट्रेन, कभी भी चलती ट्रेन से नीचे नहीं उतरते, मामा हमेशा मना करती है ना। और जब हमें विंडो सीट मिलती है तो मज़ा ही आ जाता है, हमें बैक टू बैक व्यूज़ नज़र आते हैं, समटाइम हमें माउंटेन्स नज़र आते हैं, पहाड़, कभी कभी फील्ड्स, कभी कभी क्रॉप्स, कभी कभी किसी के घर नज़र आते हैं, रोड्स नज़र आते हैं, यानी वन बाय वन हमें बहुत सारी सीनरी देखने को मिलती है, ठीक है। और हमारे पास बहुत अच्छा मौका होता है आपस में टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि और भी लोग हमारे साथ बैठे होते हैं, सो ये कंप्लीट टूर वाला पिकनिक हो जाता है। नाउ अब हमने इन सब को रीड कर लिया अच्छे से और समझ भी लिया ये कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट हैं। अब जब हम ट्रांसपोर्ट्स को रीड कर लेंगे तो इन पिक्चर्स में कलर्स कर देंगे अच्छे से, नीट कलर, जैसा कि आप करते हैं। नाउ दिस वर्क इज़ डन ओवर हेयर, ये काम तो ख़त्म हो गया, अब हम इस काम को अपनी मामा को या किसी बड़े को चेक करवा देंगे और फिर अच्छे से रिमार्क्स लेंगे जैसे हम हमेशा लेते हैं, फिर इस बुक को क्लोज करके अपने बैग्स में रख देंगे एज यूजुअल। आज के लिए बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।